अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ कि इतने दिन से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैंने आप सबके लिए मीठी मीठी सी बर्फ़ी बनाया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्ट में तो इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आपके सामने खोए की बर्फ़ी भी फेल हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, तो कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। उसमें मैं 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर लेती हूँ। इस आटे को हमें थोड़ा सी भूनना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए और एक अच्छा सा सोंधापन की खुशबू आ जाए। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक का ये प्रोसेस करना है, तभी हमारा जो बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो भून लेती हूँ मैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो गेहूं का आटा था वो भून चुका है बहुत ही अच्छे से। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो घी ऐड कर लीजिए दोस्तों। साथ ही मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड करूँगी, इससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे थोड़ा से मिक्स कर लेती हैं। फिर उसके बाद में मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। तो दोस्तों, मिल्क पाउडर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये घर का बना हुआ शुद्ध मिल्क पाउडर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, साथ ही कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों हमारी बर्फ़ी में। साथ ही आप शुगर ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो वो हिसाब से शुगर ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो अब इन सबको मिक्स करना है अच्छे से, तो मिक्स कर लेती हूँ। अब ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं 1/2 कप दूध ऐड करूँगी। तो लगातार चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध ऐड करना है। आपको याद रहे दोस्तों, दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो इसे मैं मिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे से, ताकि जो सारा मिक्सचर है एक जैसा डो की तरह हो जाए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनेगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इस तरह से मैंने इस फॉर्म में कर दिया है लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बनेगा हमारा बर्फ़ी, आप देख सकते हो। तो हमने भून लिया था, इसके लिए हमारा जो बर्फ़ी है वो सॉफ्ट रहेगा और मुंह में खाते ही घुल जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं इसे कुछ टाइम के लिए चला चला के और भूनूंगी, ताकि जो हमारा बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा सोंधी बने, बहुत ही अच्छी टेस्टी बने। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही मैं प्रोसेस कर रही हूँ दोस्तों। आपको भी सेम इसी तरह से कर लेना है करीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और मैं एक प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ घी से। तो मैं हाथों की हेल्प से कर ले रही हूँ। तो अच्छे से घी लगा लेते हैं, उसके बाद मैं कोकोनट पाउडर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी दोस्तों, ताकि हमारी जो बर्फ़ी है, आटे की बर्फ़ी, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और यहाँ पर मैं कटे हुए पिस्ता ऐड कर रही हूँ दोस्तों, इससे इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम अपने बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो हम इस पे स्प्रेड कर रहे हैं अच्छे से स्पैचुला की मदद से। इस तरह से सेट कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर वापस से कोकोनट पाउडर जो
है वो स्प्रेड करूँगी, और साथ ही जो पिस्ता है बचे हुए वो भी ऐड कर ले रही हूँ यहाँ पर, और इसे टैप कर दूँगी हाथों से ताकि सब कुछ चिपक जाए अच्छे से हमारी मिक्सर में, आटे का जो मिक्सर है उसमें चिपक जाए। तो इसे भी रख दे रही हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। इसी तरह से आप बना लीजिए, झटपट से भी बन जाता है, बच्चों को पसंद आ जाएगा। तो इसे अच्छे से चिपका देते हैं। अब मैं इसमें रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, इसे थोड़ा से सेट हो जाएगा, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। फिर मैं आपको कट करके बता दूंगी कि बहुत ही टेस्टी बना है। तो यहाँ पर मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ जितना टेस्टी है ये। तो दोस्तों, ये जितना दिखने में अच्छा है उतना ही खाने में टेस्टी है। कोई कहेगा ही नहीं कि ये आटे की बर्फी है, और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने आटे का बनाया है। तो इसे कट कर लीजिए, आप अपने कोई भी शेप में कट कर सकते हो, बट बर्फी जो होती है फ्रेंड्स वो स्क्वायर शेप में ही अच्छी लगती है, तो मैं स्क्वायर शेप में ही कट कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों। मुझे थोड़ा सी मोटिवेशन मिल जाती है आप लोग की हेल्प से, और लाइक्स करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं।